पहले तो सिर्फ छीना झपटी तक बातें थी, अब तो जो है लोगों की जानें भी इसमें जानी शुरू हो गई है, तो ये सोच हाल कब तक जो है बेहतर हो जाए। देखिए सबसे पहले तो कल जो वाक़ हुआ था समा टीवी के प्रोड्यूसर सीनियर प्रोड्यूसर वो उनकी डेथ हो गई थी। एक वाक़ था जहाँ पे छीना झपटी और डकैती हो रही थी, उस बहादुर शख्स ने उनको बचाने के लिए आए और वो डाकुओं ने बुला के। इस सिलसिले में आपको ये बता दूं कि हम 3 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस अंदरुनाक वाक़े में जो मुलव्वस है उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे जल्द। तो इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे लिए काफ़ी तशवीश की बात है जो पूरे मुल्क में और कराची में ख़ास तौर पर इस वक्त। और लेकिन ये बात मैं आपको ये बता दूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो ख़राब हुई है बाकी शहरों में भी है, मुल्क के बड़े बड़े शहरों में, बाकी सूबों के भी जो इश्यूज़ हैं उस वजह से। लेकिन इन चीज़ों को बाला तार रखते हुए ये हुकूमत का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, और उस सिलसिले में पुलिस को ज़रूरी हिदायत जारी की हैं और हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। जो हमने टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स करनी है सेफ सिटी के हवाले से वो भी अब फाइनल मराइल में, उसमें काफ़ी इश्यूज हुए थे, यहाँ पूरे बताने बैठूंगा तो टाइम लगेगा। लेकिन आपकी जो तशवीश है सबकी तशवीश है, हमारी भी तशवीश है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और कोशिश है कि इसमें जल्द बेहतरी लाई।